मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ हक के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ, और आज नाज़रीन हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर लिबर्टी चौक में, और जहाँ पे आज रवादारी तहरीक की तरफ से सानिया पेशावर जो है, जो कि आज से 8 साल पहले रोनमा हुआ और जिसमें APS के बच्चों को शहीद किया गया और दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा जो वाक़या है वो हमारे मुल्क में रोनमा होता है। तो हम इस रवादारी की तहरीक को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ पे स्कूल के बच्चों को भी वो लेकर आए, और उन्होंने इस बात की जो है वो यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं और हमारा पाकिस्तान जो है वो अमन का पाकिस्तान है। तो आए नाज़रीन हम उन तमाम लोगों से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या है वो इसको किस तौर से लेते हैं और वो क्या मुतालबा करते हैं वक्ते हुकूमत से कि वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान और जो इंतहा पसंद हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और यही रवादारी तहरीक का मुतालबा है, यही उनके लोगों का, उनके चेयरमैन सैमसन सलामत साहब का जो उनका मुतालबा है यही है कि जो पाकिस्तान का यार नहीं वो गद्दार है, और जो पाकिस्तान के लोगों से प्यार नहीं करता वो भी गद्दार है। तो आए नाज़रीन हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आज सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल गुजर गए हैं और एक मरतबा फिर रवादारी तहरीक इंसाफ मांगने के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकया में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला। बजाय इसके कि रियासत और रियासत के जिम्मेदार इन हमारे बच्चों को इंसाफ देते, यहाँ दहशतगर्दों तालिबान के साथ मुजाकरात किए गए, उनको आम माफी दी गई, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हिरासत में था वो भाग गया। यही वजह है कि आज एक मरतबा फिर सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान दहशतगर्दों ने सर उठा लिया है, वो दोबारा मुनज़म हो गए हैं और उन्होंने दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की धमकी दी है। आज पाकिस्तान के शहरी लाहौर के लिबर्टी चौक में खड़े होकर तालिबान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी आपकी धमकियों से नहीं डरेंगे, हम आपके बयानिए को सरासर रद्द करते हैं, और रियासत के इदारों और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इनसे हर किस्म के मुजाकरात बंद करके इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कातलों के साथ मुजाकरात नहीं होते, कातलों की मंजिलें जेलें हुआ करती हैं, और आर्मी पब्लिक स्कूल और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो भी दहशतगर्द मुलविस थे उनको कानून के कटारे में खड़ा करके मुतासरीन को इंसाफ दिया जाए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान हो, ये कायदे आजम और जिन्ना का पाकिस्तान बन जाए, तो फिर इस पाकिस्तान में तालिबान हो या कोई और दहशतगर्द और इंतहा पसंद, उनकी हमारे पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज 16 दिसंबर है और 8 साल पहले जुल्म की इंतहा की गई। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों पर दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया और मासूम बच्चों को जो है वो वहाँ पर शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, बेदर्दी के साथ उनके सर काटे गए। और दुनिया में मैं समझता हूँ इस ऐसे जुल्म की कोई इंतहा नज़र नहीं आती, और मैं इस सिलसिले में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रवादारी तहरीक पाकिस्तान को, उनके चेयरमैन, उनकी पूरी टीम को। पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जा रहा है ब्लैक डे के तौर पर, लेकिन लाहौर में जिन लोगों ने मनाया है या पाकिस्तान में, उनको अप्रिशिएट करते हैं रवादारी तहरीक को। और मैं उन बच्चों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने शहादत जिनको मिली, लेकिन आज इन बच्चों को भी मैं सलाम पेश करता हूं कि दहशतगर्दों और तालिबान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, लेकिन ये बच्चे बड़ी दिलेरी के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं इन बच्चों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी स्कूल मैनेजमेंट को, उनकी टीचर्स को, ख्वातीन को, बहनों को, माओं को, नौजवानों को, बेटे बेटियों को। और एक यहाँ पर नज़र आया मुझे एक बच्ची जो माजूर है, वो व्हील चेयर पर बैठ कर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। ये शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को।
उन लोगों को जो तालिबान के साथ जो है वो मुजाकरात करते हैं, और तालिबान पाकिस्तान की सरहद में आकर इस्लामाबाद में जो है वो मुजाकरात करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को दूर मर जाना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमारी रियासत, सबसे पहले हमें अपनी रियासत को मजबूत करना चाहिए। तालिबान और दूसरे ममालिक की सपोर्ट हमें बाद में सोचना चाहिए। आज जो भी मुल्क के अंदर हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उनके इस मंशूर को कंडेम करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम पर तरस नहीं खाते, पाकिस्तान के अवाम और लोगों के जानो माल के तहफ़ को यकीनी नहीं बनाते और बैरून मुल्क के लोगों के हमायत में खड़े होते हैं और उनके लिए जो है वो अपील करते हैं। मैं समझता हूँ कि रियासत को, हकूमत को, हकूमती इदारों को जो है उस वक्त जब ऑपरेशन किया था इस वाक़े के बाद, आज भी दहशतगर्दों ने सर उठाया है, उनका सर कलम करना चाहिए, उनको उस जड़ से ख़त्म करना चाहिए ताकि जना का पाकिस्तान हमें मिल जाए सबको और पुरअमन पाकिस्तान हो। मैं पाक अफवाज को इस वक्त जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने दहशतगर्दी के इस जंग में बड़ी अपनी कीमती जाने शहीद की हैं, कुर्बान की हैं, हम उनको सलाम करते हैं। यही चंद एक इदारे हैं, अदलिया और आर्मी पाक अफवाज, जिनसे पाकिस्तानी लोगों को उम्मीद है खुदा के लिए वो दहशतगर्दों से हाथ मिलाने के बजाय उनका सफाया करें ताकि पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन जाए। आज भी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे इंसाफ के मुतलाशी हैं, इंसाफ के मुंतजर हैं। मेरी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। आर्मी पब्लिक स्कूल जेडे 144 बच्चे तालिबान के हथों मारे गए, उन्होंने सारे यकजहती ली असी आए हैं। उन्होंने सारे बच्चों के माँ प्यो नूं यह दसना चाहते हैं कि तुसी यह नहीं सोचना कि पाकिस्तान के दूजे इलाकों च लोग दुखी नहीं, असी बहुत ज़्यादा दुखी हाँ और अपनी जिहड़ी साडी रियासत है, जिहड़े लोग इस पाकिस्तान नूं चला रहे ने, उन्हां नूं ये कह रहे हैं कि तुसी इन्हां लोगों नाल इन्ने ज़्यादा मुजाकरात करके भी उहदा कोई रिजल्ट नहीं निकलिया, तुहाडे इन्हां ने सिर ला के उहदे नाल फुटबाल खेडे तालिबान ने, ते तालिबान जिहड़े ने, तालिबान या कोई भी दहशतगर्द ग्रुप जिहड़ा जुलम करे उहनूं उहदे जुलम दी सज़ा मिलनी चाहीदी और अपने मुआशी हालात खराब ने ते उहनां तों अगे निकलण लई जरूरी है हालात बेहतर करन लई कि मुल्क दे विच हर मजहब और अकीदे दा बंदा अपने जिन्हें जिना साहब ने कहा सी कि तुसी अपने मस्जिद मंदिर गिरजे जान लिए आजाद हो, इत्थे लोग जिहड़े ने वो दहशतगर्दी तो थक गए ने ते उन जान छुड़ाना चाहते हैं, साड़ी रियासत जिहड़ी है मेहरबानी करे। शुक्रिया। आज हम लाहौर के शहरी, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आए हुए शहरी रवादारी तहरीक के फोरम से यहाँ जमा हुए और हमने आज 16 दिसंबर के उस सानहे की याद को ताज़ा किया जो 8 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों के साथ पेश आया। जालिम दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया गन्नों से, क्लाशनकोव से, बम्बों से और मासूम और निहत्ते बच्चों पर जुल्म किया। 150 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। आज हम अपने इस रवादारी तहरीक के फोरम से तमाम लाहौर के शहरी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब वो दौर नहीं है, अब पाकिस्तान के अवाम पूरी तरह से जाग उठे हैं, अब ये तालिबान का दहशतगर्दी का दौर नहीं है। लेकिन हमें अफसोस है कि अब भी सवात में और कई शमाली इलाकों में दहशतगर्दों ने फिर ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना चाहते हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, खुदारा ये दहशतगर्दी बंद करो, यहाँ के अवाम को पुरसकून तरीके से, खुशहाल तरीके से जिंदगी बसर करने दो और तुम्हारे ये नापाक अजायम कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरी अपील है कि तमाम पाकिस्तान के अवाम अपने बच्चों को हमेशा याद रखें जो पेशावर के उस सानहे में शहीद हुए और आज मैं
अपने इन बच्चों को भी सलाम पेश करता हूं जो यहां पे लिबर्टी चौक में इस राउंड अबाउट पे आके बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने अपना इस जो है वो पूरे अजम का इजहार किया कि किसी भी सूरत पाकिस्तान के बच्चे जो है वो इन तालिबान के इन इरादों से पूरी तरह वाकिफ हैं और नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। और इसी तरह से तालिबान को ये मैसेज देते हैं हम कि ये बच्चे कौम के हैं, इन पर जुल्म करना तुम कभी शहादत का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। ये जुल्म जो है ये तुम्हें कभी जो है वो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। और इस किस्म के तालिबान की कार्रवाइयां की हम पूरी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हम अमन चाहते हैं। हम उन तमाम अमन कायम करने वाले इदारों के लिए जो है हम पूरी तरह से उनको ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के तमाम स्कूलों कॉलेजों के बच्चों की हिफाजत करें, उनके हाथों में फूल और किताबें दें और उनको इन दहशत गर्दों की कार्रवाइयों से महफूज रखें। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कल का पाकिस्तान है, ये हमारा रोशन पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को हमने हमेशा कायम व दायम रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम रवादारी तहरीक की तरफ से लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं और हम APS शोदा के लिए जो है वो मेमोरियल सर्विस का हमने एहतमाम किया है। हम पिछले 8 साल से हर साल जो है कैंडल विजल करते हैं APS के शोदा के लिए, इस उम्मीद पर हर दफ़ा हम यहाँ पर आते हैं कि उनके जो वालदैन हैं उनको इंसाफ दिया जाएगा और हमारी रियासत ने जो हमसे वादा किया था कि उनके कातिलों को सजा दी जाएगी, हम इस उम्मीद पर हर साल यहाँ पर आते हैं। हमारी डिमांड हमेशा यही होती है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान तो बना दिया है लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद भी किया जाए और दहशतगर्द जो है उनको भगाने की बजाय अगर हमारी रियासत उनको सजा देगी तो शायद आगे हम जो है ये तालिबान की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनको रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, मैं आसिफ नथानियल हूँ, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रवादारी तहरीक। आज हम यहाँ जमा है सानिया APS के सिलसिले में। ये जितना भी पुराना हो जाए हम इसे नहीं भूल सकते क्योंकि ये APS का ये ऐसा सानिया है जो आज भी जब हम इन्हें याद करें तो हमारा जो दिल है वो खून के आंसू होता है। हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि दहशतगर्दी को जो है वो मिटाया जाए, इसके लिए कानून साजी की जाए। जिस तरह स्वात में जो दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं और बहुत से वाकयात देखने में भी आ रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा भी हुए थे, हमने अपना स्ट्राइक जो है वो रिकॉर्ड करवाया कि दहशत गर्दों का जो यार है वो गिरदार ही है और गिरदार ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी सारे। जबकि 2014 के 16 दिसंबर पिशावर के वाकया पेश आया से दहशतगर्दी के बारे, स्कूल बच्चों उन्हें टारगेट किया। अज भी असी गुलबर्ग लाहौर मेन गोल चक्कर लिबर्टी देते असं इकट्ठे हुए हाँ सारे, ताकि असी रवादारी तरीक न इस करके इकट्ठे हुए हाँ रवादारी तरीक न क्योंकि अमन का रास्ता सिखाती, सानू अमन ना टुरना सानू सिखाती है। रवादारी तरीक वर्ल्ड की एक ऐसी तहरीक है जिद अमन इंसानियत और अच्छा अखलाक दसया जाता है, सिखाया जाता है, टुरना दसया जाता है। मेरी भी तेरे सारे नाल यही अपील है कि तुसी भी रवादारी तरीके नाल टुरिया करो क्योंकि यह साढ़े ही हक वास्ते टुरती है। सत श्री अकाल जी। नाजरीन, अभी आप देख रहे थे उस प्रोटेस्ट को जो कि लिबर्टी चौक में मुनक्कद की गई रवादारी तहरीक की तरफ से, और यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को जमा किया गया ताकि APS के उन शहीदों को याद किया जाए, उन बच्चों को याद किया जाए और उनकी याद में यहाँ पे बाकायदा तौर पे शमा रोशन की गई। स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे जो है वो उनकी याद में शमा रोशन की। और रवादारी तहरीक के चेयरमैन साहब का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की सालिमियत को जो नुकसान पहुंचाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और वो इसी तरह से हर साल आते रहेंगे जब तक APS के बच्चों को उनके वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल जाता। और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनसे हाथ मिलाना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की सालिमियत को, पाकिस्तान का जो इकतदार है, पाकिस्तान का जो मुराल है उसके वो दुश्मन है। और यहाँ पे उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान में मोहब्बत और रवादारी का जो दर्स है वो इसी तरह से देते रहें ताकि पाकिस्तान बना रहे और पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक पैरो को दीजिए इजाज़त इस बात के साथ कि पाकिस्तान हमेशा अमन,
और मोहब्बत का पैगाम इसी तरह से देता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।